हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ ऐसी खास यूज़फुल टिप्स का इस्तेमाल अगर हम लोग रोज़मर्रा के मुश्किल कामों में करें तो वही काम हम लोग के बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में हो पाएंगे, जिसमें हमारा एक रुपये भी खर्च नहीं होगा। ऐसी ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर बैग को लेकर के है। जब भी हम लोग किसी सफ़र में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो इस तरह से थोड़े बहुत पर्स में पैसे या ज्वेलरी पर्स में अपने इस तरह से छोटे बैग को डाल लेते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो भी इस तरह से पर्स में रख के ही अपने किसी चीज़ में रख के इसको ले जाते थे। बहुत दिक्कत होती है कहीं पर्स चोरी ना हो जाए, तो आज आपके साथ ऐसा आइडिया शेयर करूँगी जिससे ये सेफली सेफ भी रहेगा, बिल्कुल भी इधर उधर खोएगा भी नहीं और ना ही कोई इसको चोर चुरा सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप साड़ी वगैरह पहनती हैं तो इस तरह से एक छोटा पर्स ले लीजिए। आप अपने ज़रूरी पैसे हो तो आप उसको डाल लीजिए और कुछ जो ज्वेलरी भी हो तो आप इसको इस तरह से डाल लीजिए। आपको क्या करना है, इस तरह से पेटीकोट में अटैच कर देना है सेफ्टी पिन की हेल्प से। आप चाहे तो यहाँ कपड़े का भी एक छोटा सा पर्स बना सकती हैं जो हमेशा आपके पेटीकोट में अटैच रहेगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया है। आप जो भी सामान रखना चाहें, थोड़ा बहुत जो बहुत ही ख़ास हो, ज़रूरी हो, तो आप उसको इसमें रख लीजिए। पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस तरह से पेटीकोट में कोई पर्स लगाया। ये सेफली आप जब पहनेंगी तो सेफ भी रहेगा और किसी प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं गिरेगी। और जब भी आपको ज़रूरत हो कोई पैसे निकालने की या कोई ज्वेलरी, तो ईजिली आप निकाल सकती हैं। ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने सामान को सेफ रख सकती हैं और आराम से इसको पहन भी सकती हैं। ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर बॉटल को लेकर के है। वैसे तो नॉर्मली बॉटल हम लोग उठा करके फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी यूज़ हम लोग अपनी किचन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी छोटी बॉटल ले लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ी बॉटल को नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, उसके नीचे वाले पोर्शन को इस तरह से यू या वी शेप में कट कर देना है ताकि ऊपर पूरी बॉटल बची रहे। आपको क्या करना है, इस तरह से गोलाकार में इसको काट देना है। नीचे वाला पोर्शन हटाने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपरी पार्ट में भी काटना है। तो यहाँ पर देखिए ये एरिया भी मैं कट कर दे रही हूँ, जिससे क्या होगा, एक यू शेप में बनकर के तैयार होगा। इस ऑर्गेनाइजर से हम लोग घर में बहुत सारे काम कर सकते हैं जो काम करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। आप इसको बिल्कुल किनारे से बराबर कर लीजिएगा ताकि ये धोखे से भी इसकी नोक हम लोग के हाथों में ना लगे और ये ईजिली हम लोग कर भी लेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक पुरानी एक छोटी बोतल जिसको हम लोग बेकार समझते थे, उसका भी यूज़ हम लोग बहुत ही अच्छे से किचन में कर सकते हैं। एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हो भी जाता है। बस आपको इस तरह से इसको बना लेना है। इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग सोचते हैं आराम से किसी चीज़ में भर सकें, तो इस तरह का आप टूल बनाकर तैयार कर लिए बॉटल का। इस तरह की जो बॉक्स होते हैं, दाल वगैरह भरना हो या चावल, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मुँह है, आप इससे छोटा भी मुँह का जार का तो आप इजिली इससे भर सकते हैं। तो कैसे भरना है, आपको आप कैप को लगा रहने दीजिए। आपको दाल भरनी है, चावल भरना है, कोई भी छोटे डब्बे में अगर आपको भरना है तो आप इस तरह एक बॉटल को काट के बना लीजिए। और जब भी आपको छोटे बर्तन के मुंह में इसको भरना है या कोई छोटा जार हो जिसका मुंह छोटा हो, आप इस तरह से बॉटल की हेल्प से बहुत ही आसान से इसको भर सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें भर लेंगे। अगर ऐसे ही हम लोग हाथ से भरते हैं तो बहुत टाइम लगता है, या किसी मुट्ठी से भरते हैं या ऐसे ही थाली उठा करके भरते हैं तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए फटाफट मैं दाल भर लूँगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप दाल है, चावल है या जो भी चीज़ें छोटे बर्तन में रखना चाहें तो ईजिली रख सकती हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से बॉटल को लेना है, कोई छोटी बॉटल मुँह हो तो आप उसमें भी बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी बॉटल की हेल्प से मैंने छोटी बॉटल में भी इसको अच्छे से भर दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप ईजिली अपनी किचन में इस तरह की छोटी छोटी बॉटलों को बना के रख लें जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप है यहाँ पे मेरी मिक्सी जार को लेकर। अक्सर जब भी हम लोग मिक्सी चलाते हैं, जो जार होता है उसकी जो ब्लेड है ना, तो धीरे धीरे कम शार्प चलती है, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को पीसती नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में इसको देते हैं, या तो इसकी ब्लेड को चेंज करवाते हैं या पूरा जार जी चेंज कर देते हैं। आप घर में ही बगैर पैसे के इसकी जो धार होती है ब्लेड की बना सकते हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छे से तेज़ हो सकती है। आपको क्या करना है, इस तरह से टाटा नमक लेना है और करीबन 3 से 4 चम्मच इस जार में डाल देना है। अच्छे से कैप को आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपको मिक्सी जार में इस तरह से लगाने करीबन 2 से 3 बार आपको चलाना है।
चलाने से क्या होगा, जो ब्लेड होती है ना तो बहुत ही अच्छे से धार हो जाएगी, जो इसकी धार मर गई है ये हम लोग को पैसा लगा करके फिर से इसको नया करना पड़ता है, तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं एक बार और इसको पीसूंगी ताकि बहुत ही अच्छे से इसकी जो धार है वो हो जाए ब्लेड की। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो बार इसको अच्छे से चला लिया है, यहाँ पर नमक भी बहुत महीन पीस का है, ये नमक बेकार नहीं है, फिर से इसको अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस नमक को लेना है और वापस आप इसको वहीं पर रख दीजिए। अभी मैं दिखाऊंगी कि जो जार की जो ब्लेड है बहुत ही अच्छे से शार्प होगी, आप कोई भी चीज़ इसमें पीसेंगे बहुत ही अच्छे से पीसेगी, बगैर पैसा खर्च किए हम लोग घर में ही इस तरह से जुगाड़ करके अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर इस तरह से जो स्टील के स्क्रबर होते हैं जब पुराने हो जाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ से मांजते हैं या घिसते हैं तो हम लोग के हाथ में भी लग जाता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास ब्रश हो पुराना जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, ये पुराना स्क्रबर है तो आप इसको उठा करके ना फेंकें, आपको क्या करना है इस तरह से इसको ब्रश में लगा देना है। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे दो कोई छोटी रबड़ बैंड, आप इसको अच्छे से इसे में फिक्स कर दीजिए और ये इजीली हो जाता है, ये हो जाता है और इसका यूज़ हम लोग अपने बाथरूम में किचन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आपको जहाँ सही लगे आप उसका यूज़ करिए। तो यहाँ रबड़ बैंड से मैंने फिक्स कर दिया है, अब ये जो वो हम लोग का जो स्क्रबर है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरेगा। जैसे कभी कोई ज़्यादा जले हुए बर्तन होते हैं या भगोने कुकर कुछ भी आपको मांजना है तो आप डायरेक्टली इस तरह से स्क्रबर को ना पकड़ें, ब्रश में लगा लें, अच्छे से जब आप कोई बर्तन वॉश करेंगी मांजेंगी ईजिली साफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप इसको बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से बाथरूम में भी काम करेगा। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।